हेलो जी, नमस्ते। आज बनाएंगे हम व्रत स्पेशल साबूदाना खिचड़ी रेसिपी। तो इसके लिए ये मैंने एक कटोरी साबूदाना ले लिए, इनको मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे। और एक बड़ी साइज का ले लिया आलू, इसको छील कर धो लिया अच्छे से, और थोड़ी सी मूंगफली के दाने, और 2 हरी मिर्ची ले ली, और एक बड़ी साइज का टमाटर ले लिया, देसी वाला टमाटर है। तो टमाटर, आलू और मिर्ची को हम काट लेंगे। ये लो जी, इस तरीके से काट लिया मैंने टमाटर को मीडियम साइज में, मिर्ची को बारीक बारीक काट लिया, और आलू को थोड़ा सा छोटी साइज में ही काटा, इस तरीके से थोड़ा पतला पतला, ताकि जल्दी से पक जाए आलू। गैस पर रखेंगे हम पैन, पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल, गैस को चला दिया मैंने। तो थोड़ा सा तेल डाल देते हैं इसमें, तेल को करेंगे अच्छे से गरम, और फिर इसमें डालेंगे ये मूंगफली के दाने, इनको सेक लेंगे हम अच्छे से। इसे चलाते हुए थोड़ा सा पका लेंगे मूंगफली को 1.5-2 मिनट के लिए। तो मूंगफली हमारी पक गई अच्छे से, कलर भी काफ़ी चेंज हो गया। बस इतना ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये जल जाएंगी। इसको निकाल लेते बाहर, ये देखो जी मैंने निकाल लिया कटोरी में, इसको रख देंगे साइड, और पैन में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरे को थोड़ा सा चटकाएंगे। गैस को मैंने मीडियम कर रखा है, हल्का सा मिक्स कर लेते, और फिर इसमें डालेंगे आलू। आलू को मैंने काट कर अच्छे से धो लिया, फिर से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है खिचड़ी रेसिपी, आप व्रत में ज़रूर इसको बना सकते हैं। नवरात्रि आने वाली, तो आप जब भी आप व्रत रहोगे तब आप इसको बनाकर खा सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। और हरी मिर्ची हम ऊपर से डाल देंगे इसे, ताकि ये जले ना। मैंने पहले नहीं डाली, पहले डालने से हरी मिर्ची जल जाती है और स्वाद अच्छा नहीं आता, इसलिए मैंने अभी ऊपर से डाली। और इसको ढककर 2-2.5 मिनट हम पकाएंगे मीडियम गैस पर। तो 2-2.5 मिनट बाद मैं ढक्कन को हटा दिया और मिक्स कर लेते। तो ये देखो जी, आलू पक गई, मैं एक एक इस तरीके से पलटे से तोड़ के देख रही हूँ। तो आलू हमारे पक चुके अच्छे से। इसमें डाल देंगे हम अभी टमाटर, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे टमाटरों को, और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम सेंधा नमक, नॉर्मल नमक नहीं डालना जी, इसमें सेंधा नमक ही डालना, क्योंकि यही व्रत में खाया जाता है। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको, नमक और टमाटरों को आलू के साथ। तो मिक्स कर लेंगे। आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना जी, शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। तो मैंने ढककर 1 मिनट के लिए टमाटर को पका लिया अच्छे से। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जी, और मुझे सपोर्ट करना। और फिर डाल देंगे इसमें हमारे ये भिगे हुए साबूदाने जो हमने भिगो के रखे थे पहले से ही। अगर आप सवेरे सवेरे खिचड़ी बना रहे हो तो शाम को ही भिगो कर रख देना जी साबूदाने को, या फिर दोपहर में बना रहे हो या शाम के टाइम में बना रहे हो तो दिन में भिगो कर रख सकते हो। तो मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से साबूदाने को, और इसको ढक कर हम फिर से 1 मिनट के लिए पकाएंगे ऐसे ही फुल गैस पर। 1 मिनट बाद हम ढक्कन को हटा दिया, मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी खिचड़ी बनकर हो गई एकदम तैयार। इसमें डाल देंगे अभी मूंगफली के दाने जो हमने पहले सेक के रखे थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना जी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जी। तो गैस को कर दिया मैंने बंद, और मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से काट कर,
तो थोड़ा सा काट देते हरे धनिया को बारीक बारीक। मिक्स कर लेंगे धनिया को खिचड़ी में। तो ये साबूदाने की खिचड़ी बनकर हो गई एकदम तैयार खाने के लिए जी। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना और कमेंट में बताना कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। तो मैंने प्लेट में निकाल लिया और इस तरीके से बनकर हुई है जी तैयार। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।